गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किचन में आज अपना आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो जी हाँ, क्योंकि हम लेडीजों का आधा से ज़्यादा समय तो किचन में ही बीतता है। और मैं सान रही हूँ, ये देखिए आटा, इसलिए मैंने कहा चलो काम भी करते चलते हैं और आपसे बातें भी करते चलते हैं। तो ब्लॉग का मतलब ही यही होता है, काम करो, दिखाते रहो, आपसे बातें करते रहो। तो वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हमने बना दी है आज लौकी की सब्जी, तो हमने लौकी की सब्जी चढ़ा दी है। और आज मैं चली गई थी मार्केट, जैसा कि आप सबको पता है कि परसों है करवा चौथ, तो इधर तो भगवान ने आतंक मचा रखा है। क्या आतंक मचा रखा? जी हाँ, बारिश 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 बारिश, मतलब यार पूछो ना, अब तो बिल्कुल दिन मतलब उब चुका है, बहुत ज़्यादा उब गए हैं। बारिश ने तो बिल्कुल धमाल मचा के रखा है। तो आज हम चले गए थे क्योंकि कल सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 3 बजे से बारिश होना शुरू कर दी है और पूरी रात बारिश हुई है। आज भी वही पोजीशन, सुबह हम लोगों के यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रखा था, बहुत तेज़ घाम था, लेकिन फिर 3 बजे से बारिश होना शुरू किया और अभी भी बारिश हो रही है। लाइट भी हमारे घर चली गई थी, अभी लाइट आई। ये हालात है यार, सच में ना अब तो जी उठ चुका है यार, बिल्कुल बारिश बारिश। फिर आज हम निकल गए थे अपना करवा चौथ की तैयारी करने के लिए, सामान वगैरह लेने के लिए। तो बस सब कुछ लेके आई हूँ, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर आपको दिखाऊँगी। और मैं मतलब 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि त्यौहार है ना, तो त्यौहार में बिजी रहेंगे, तो करवा चौथ के बाद ही कल जो वीडियो जानी होगी कल ही जाएगी, उसके बाद फिर 2 दिन में वीडियो बिल्कुल नहीं डाल पाऊँगी। और क्योंकि त्यौहार भी है और त्यौहार के बाद हमारा बेटा भी आ रहा है, तो हम उसी में व्यस्त रहेंगे, तो हमारा 2 दिन तो वीडियो हम नहीं डाली पाएंगे आप लोगों के पास। जी हाँ, और मैं कुछ बात करने आई हूँ आप लोगों से। क्या बात करने आई हूँ? जो मेरे अच्छे भाई बहन हैं तो सबको वीडियो देखते हैं, मुझे पता है। कुछ लोग नहीं देखते, फुल वॉच करके भी नहीं देखते, क्लिक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, मुझे पता है अच्छी तरीके से कौन मेरी वीडियो फुल वॉच करता है, कौन मेरी वीडियो डेली देखता है, मुझे सब पता है, सबको पता है, ठीक है। और देखिए, हम हाउसवाइफ है, हम जब समय पाते हैं तो हमसे जो लोग जुड़े हैं हम सबकी वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखती हूँ, सबका देखती हूँ और फुल वॉच करके, अगर जिसका देखती हूँ ना तो फुल वॉच करके देखती हूँ वीडियो, मेरी ये हैबिट है। क्योंकि अपने जैसा सबको समझना चाहिए, क्योंकि सबको यही एक दूसरे से उम्मीद करता है यार मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं क्या, सभी लोग यही सोचता है, ठीक है, कि हमारी वीडियो को फुल वॉच करिए। तो मैं आज किस मुद्दे पर आप लोगों से बातें करने आई हूँ, मैं किसको दोष दूँ किसको नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, फैन भी चल रहा, मेरे ससुर जी बाजा भी बजाए हैं, रेडियो आप लोग सोचोगे आजकल आधुनिक में ये रेडियो बजाते हैं, जी हमारे ससुर सुनते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए इनकी बात, हम क्या बात कर रहे थे वो बात शुरू करते हैं। तो मैं ये आप लोगों से कह रही थी यार, मैं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आई, मैंने सोचा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है और हर लेडीज़ लगी हैं, तो चलो ठीक है हम भी लग जाते हैं, हम भी YouTube पर एक हाउसवाइफ हम भी हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, संगीत से हमने प्रभाकर भी किया है। लेकिन फिर हमने सोचा, मेरा तो टाइम होता ही था, मैं घर के काम वाम करती ही थी, किसी तरह तो व्यस्त रहती ही थी, फिर हमने जब देखा तो मैंने कहा चलो भाई, अच्छे अच्छे लोगों का मैं यूट्यूब वीडियो देखा करती थी, ब्लॉग वगैरह, मैंने कहा हम भी जुड़ जाते हैं, हम जुड़ गए, ठीक है हम आज बनाने लगे। मैंने देखा मैं इतना मेहनत भी करती हूँ, दिन भर अपना वीडियो बनाती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, इसी किचन में आप लोग देखते होंगे कि अपना बनाते हैं, कभी डांस भी कर दिया, सिंगिंग भी कर दिया, हर चीज़ जो मेरे पास टैलेंट है सब कुछ मैं यूट्यूब पर डालती रहती हूँ, लेकिन व्यूज़ ओफो बिल्कुल बेकार यार। जो कोई मेहनत करता है अगर उसके व्यूज़ नहीं अच्छे आते हैं तो मन अपसेट हो जाता है। मैंने कई बार कहा मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, फिर मैंने कहा जी नहीं यार, आप लोग का प्यार और सपोर्ट देख के मुझे लगा अच्छी नहीं, मैंने छोड़ूंगी, ठीक है अपना किसी चीज़ में लगे हैं। देखिए रियलिटी ये है, यूट्यूब पर कोई टाइम पास करने नहीं आता, कुछ ना कुछ लेने आता है यूट्यूब पर, ठीक है। पर इस समय मैं देख रही हूँ
कि मेहनत करने वाले और जिनके पास कुछ टैलेंट है, जिनके पास कुछ खूबी है, उसका यूट्यूब कोई कीमत ही नहीं कर रहा है। मैंने ये चीज देखा है। जो लोग इतना बकवास डाल रहे हैं, मतलब मैं खुला ही बोलूंगी, जो नंगे होकर के दिखा रहे हैं, उनके व्यूज इतने ज्यादा हैं कि क्या बताएं। तो पब्लिक उनको देख रही है। मतलब यूट्यूब एक साफ सुथरा रहे कहाँ गया प्लेटफॉर्म, ये तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो इस मतलब इस भीड़ में फिर हम क्यों घुसे कि उस भीड़ में हम भी शामिल हो जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी एक अच्छे घर की औरत फिर यूट्यूब पे आना नहीं चाहेगी। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, गलत कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ हैं, हम लोग एक मतलब अच्छे घरों से हैं और यूट्यूब को देख करके इसलिए आए इस प्लेटफॉर्म पर कि ये बहुत अच्छा है, इसमें हर हाउसवाइफ अच्छे अच्छे घर की औरतें लगी। पर कुछ लोग इसको इतना गंदा करे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं यार, कि जिसको पब्लिक देख रही है और व्यूज मिलियन मिलियन व्यूज, लाख लाख व्यूज आ रहे हैं यार। न कोई मेहनत, न कुछ तमाशा दिखा रहे हैं और मिलियन व्यूज पहुंच जा रहे हैं। तो फिर हम लोग के जैसे लोगों को, टैलेंट वालों की इसमें जरूरत क्या है यार। अब तो लगता है कि यूट्यूब छोड़ दो ज्यादा अच्छा। सच में मैं बिल्कुल उब चुकी हूँ, और मेरा जिस दिन मूड सनक गया ना, उस दिन मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, बिल्कुल छोड़ दूंगी। इसलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गंदा है यार, अपनी कौन धोएगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो देखा है। मैंने अभी एक फनी वीडियो देखा है, एक माँ को जो है चारा की जो मशीन होती है गांव देहात में, लोग जो पहले जो चारा काटते थे उस मशीन में, उस और मतलब एक बूढ़ी माँ को काटते हुए दिखाया जा रहा है। बताइए आगे चल के कि बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे, हम लोग कल के बूढ़े होंगे तो क्या होगा, आजकल के बच्चे क्या ये सब देखेंगे। क्योंकि आजकल छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे यूट्यूब पर लगे हैं, वीडियो सबके हाथ में मोबाइल रहता है, टीवी तो आजकल कोई देखता ही, टीवी तो फालतू घर में सजा के रखी गई है, और इस प्लेटफॉर्म पर लोग ज्यादा हैं। आप बताइए क्या सीखेंगे वो, इस तरह की वीडियो देख करके वो क्या सीखेंगे, खुद ही सोचिए वो क्या सीखेंगे। और हम लोग भी लगे हैं तो उनमें क्या है, हम लोग भी शामिल हो जाएंगे ना यार। कोई भी यही कहेगा अरे यार वो देखो यूट्यूब पर है यार, क्या मतलब, ऐसे लोग मुंह बनाएगा ना। हम लोग एक अच्छे घर की, हम लोग बहू हैं, कुछ बहुएं हैं, कुछ बेटी हैं, कुछ मतलब सबके अपने अपने वो हैं घर में, पद जिसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग अपने टैलेंट को दिखाने यूट्यूब पर आए हैं और हम लोगों का कोई इसमें कदर नहीं है। मैंने देखा इतने अच्छे में गाना गाई, इतने अच्छे मैंने डांस किया, इतना अच्छा सब कुछ इसमें मतलब वीडियो भी डाला, लेकिन व्यूज क्या है, 30, 40, 45, 50, 100, इससे ज्यादा इनफ। और जो ऊट पटांग डाल रहे हैं, अब मैं बोलूंगी, जो यहाँ से ऐसे खुला करके दिखा रहा है, हटा के दिखा रहा है इसको, मतलब क्या बोलो यार, मुझे शर्म आती है। उनके व्यूज मिलियन मिलियन पहुंच जा रहे हैं, और आजकल यूट्यूब में सब लेडीजें नंगी हो रही हैं यार, ये सब गलत तरीका है। और यूट्यूब उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको सर्च में दे रहा है, उनके सारी वीडियो लोग देख रहे हैं। तो फिर हम लोग क्यों यार यूट्यूब पे लगे हैं। मेरा तो जिस दिन मूड सनकेगा ना, उस दिन यूट्यूब बंद कर दूंगी मैं, इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग हो गया खराब। ऐसे ऐसे लोगों के मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखा करती हूँ, वीडियो देखती हूँ उनके, लॉन्ग वीडियो, ऐसे ऐसे लोग तमाशा बना रहे हैं। यूट्यूब को तो तमाशा बना के रख दिया इस प्लेटफॉर्म को। तो इसमें अच्छे घर के, बताइए क्यों मना करते हैं, किसी के घर के बच्चे, किसी घर के हस्बैंड, किसी घर के माँ बाप क्यों मना करते हैं कि यूट्यूब पर आपको नहीं बनाना, लोग क्यों नहीं बनाने। सिर्फ यही कारण है जो यूट्यूब पर फिर अच्छे घर की औरतों को नहीं आने दिया जाएगा। अगर औरतें कुछ चाहें भी कि अपने लिए कुछ मतलब करना चाहेंगी, तो उनके घर के लोग नहीं करने देगा। यही सब तमाशा जब देखेगा तो कहां से किसी अच्छे घर की औरतों को यूट्यूब पर आने देगा, बताइए। कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वही हालात हो जाएंगे ना। हम लोग बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन एक मछली पूरे, एक औरत या एक कोई ऐसा क्रिएटर रहेगा जो पूरे यूट्यूब को गंदा कर देगा, तो किसी के कोई मर्यादित घर की इज्जतदार बहू या बेटियों को यूट्यूब पर आने देगा, नहीं आने देगा। यही कारण है, यही रीजन है कि जिसके वजह से घर के लोग यूट्यूब पर नहीं आने देंगे। क्योंकि आजकल जेंट्स एक्टिव है, यूट्यूब देखता रहता है, इस तरह की वीडियो देखता रहता है, तो क्या होगा, लोग यही ना कहेंगे अरे यार वो भी ऐसे यूट्यूब पर है। हम लोग चाहे कितना भी अच्छा चीज डालेंगे, अच्छी चीजें दिखाएंगे, लेकिन उनमें हम भी तो सन गए, हमको भी तो उसी में सान लेगा ना।
यार शर्म नहीं आती ऐसे औरतों को, ऐसी वीडियो डालते हुए, ऐसी लड़कियों को। और आजकल की जनरेशन जो लड़कियां हैं जो पढ़ लिख रही हैं वो भी ऐसे ही मतलब वीडियो बना रही है यार, ऐसे ऐसे एक्टिंग ऐसे सेक्शन करके क्यों? अरे दिखाना है तो कुछ अपना टैलेंट दिखाओ, कुछ अच्छी चीजें दिखाओ जिससे सामने वाले को कुछ सीखने को मिले। डांस दिखाओ, डांस करो, एक्टिंग करो, लेकिन एक ऐसा दिखाओ डांस वगैरह कि जिससे लोग सीखे तुम्हारा डांस। ऐसी चीजें मत दिखाओ यार जो एक मर्यादित तो जो इज्जत की चीज है उसको आप खुला करके दिखा रहे हो। शर्म हया कुछ है ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को? अब ऐसे लोगों को यूट्यूब भी प्रमोट कर रहा है, उनको मतलब क्या बोले यार, अब तो यूट्यूब पर आने का मन नहीं करता। मेरा तो मन करता है मैं कभी छोड़ दूं यार, मैं जो सोच के आई थी यूट्यूब पर वो चीज बिल्कुल नहीं है यूट्यूब पर अब, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कैसे कैसे वीडियो मिलियन मिलियन व्यूज जा रहे हैं, कैसे कैसे सारा कुछ। मतलब यार यूट्यूब क्या चाहता है, यही सब यूट्यूब पर लोग डालें तो उन्हीं को प्रमोट कर रहा है, मतलब टैलेंट वालों की इसमें कोई कदर नहीं है। हमने देखा अच्छा जो गाना गाता है, अच्छे जो डांस करते हैं, अच्छी जो कोई कला दिखाता है, अच्छा जो कोई ब्लॉग बनाता है, अच्छी कोई रेसिपी जो बना के दिखाता है नई चीजें या कुछ भी वैसे, क्योंकि हर घरों में अलग अलग तरीके से खाना बनता है, अलग तरीके से छौंका लगता है, अलग तरीके से चाय बनती है, सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, उसकी कोई कदर ही नहीं है यार। तो क्या मतलब है यार अपना टाइम वेस्ट करने का, अपना टाइम खराब करने का, चलो हम कहीं और चलते हैं और कुछ करते हैं यार। ऐसे गंदे YouTube प्लेटफॉर्म पर फिर कौन आएगा भाई? कोई भी मर्यादित घर के स्त्रियों को तो कोई किसी के घर का इंसान नहीं आने देगा, सिर्फ यही रीजन की वजह से। हम लोग यूट्यूब पे बनाए हैं जिद करके, ठीक है हस्बैंड को मना करके, किसी को भी मना करके, लेकिन जब ऐसी औरतें प्लेटफॉर्म गंदा करेंगी या ऐसे लोग गंदा करेंगे तो बताइए इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर किसी के घर के सदस्य आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। बोलिए मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ अपना टैलेंट दिखाओ, अपने गुण दिखाओ, आपके अंदर जो कुछ है उसको सिखाओ, जो सामने वाले को कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छी चीजें देखने को मिले, ना कि आप ऐसी चीजें दिखाओ जिससे दिमाग गंदा हो और आज की जनरेशन चले दूसरे हिसाब से, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी मेरा आप कोई भरोसा नहीं है यूट्यूब में, मैं कब तक रहूंगी? जिस दिन मेरा मूड सनक जाएगा मैं यूट्यूब छोड़ करके बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे तरह के साथ नहीं रह पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। मेरे घर में वैसे भी बिल्कुल अलाउ नहीं है वो, मैं अपनी मर्जी से यूट्यूब पर आई हूँ और मैंने सोचा था ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपना काम करूंगी और मुझे अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन मैं देखती हूँ यार यहाँ औरतें बहुत गंदी हैं, बहुत ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियो डालती हैं, ऐसे ऐसे वीडियो डालती हैं जो बिल्कुल गलत मैसेज जाता है। आजकल की जनरेशन क्या सीखेगी ये सब देख करके? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे तो उनके दिमाग पर कितना गंदा असर पड़ेगा। मेरी बातों पर गौर करिएगा आप सब। इसलिए मेरा मूड तो सनक गया यार सच्ची, बस मैं यही कहना चाहती थी, आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती थी। मैं क्या सभी औरतें इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डालती हैं, उनके व्यूज मैंने देखा है किस तरह आते हैं, मेरे खुद के आते हैं, मैं औरों को क्या बताऊं। चलिए ठीक है, कहाँ तक आपका मेरा साथ रहता है कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कुछ शॉपिंग करके करवा चौथ के लाई हूँ तो ज़रूर अभी वीडियो बनाऊँगी, वो कल तक भेज दूँगी आपको। बाय बाय, ये वीडियो मेरी आज ही जाएगी।